जिन लोगों का जन्मदिन 18 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, करियर की तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, स्वास्थ्य का विशेषकर आंखों की समस्या का इस समय ध्यान बनाए रखिए। संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी रखना इस समय आपके लिए जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर हनुमान जी की उपासना करें, ज्यादा कुछ ना भी करें, केवल हनुमान चालीसा ही अगर पूरे साल भर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा होती है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। देखिए, गणेश जी वास्तव में माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। चूंकि लक्ष्मी जी निसंतान हैं, इसीलिए पार्वती माता ने अपने पुत्र गणेश जी को उन्हें गोद दे दिया था। इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। वो पूजा दरअसल माता और पुत्र की पूजा भी है और धन और बुद्धि की पूजा भी है। तो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के बीच का जो संबंध है वो ये है कि भगवान गणेश उनके दत्तक पुत्र माने जाते हैं। अगर आप बालिका हैं, कन्या हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो तीज पर कौन सा ऐसा उपाय करेंगी जिससे शीघ्र विवाह का वरदान मिले? तीज के दिन भगवान शिव को पीले और मां पार्वती को लाल फूल अर्पित करिएगा। एक पीले रंग का रेशम का धागा भी दोनों को अर्पित करिएगा। इसके बाद उनके सामने बैठ करके ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 3 माला 108x3 बार जप करिएगा। इसके बाद उनसे शीघ्र विवाह करवा देने की प्रार्थना करेंगी और पीले धागे को अपनी बाई कलाई में अपने माता पिता से, परिवार के किसी व्यक्ति से, किसी विद्वान से, किसी संत पुरुष से बंधवा लीजिएगा और इस धागे को तब तक नहीं खोलिएगा जब तक आपकी शादी फाइनल नहीं हो जाती है। तीज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को एक बड़ी सी पीले फूलों की माला अर्पित करें। ये माला इस प्रकार अर्पित करें कि दोनों के गले में आ जाए और इसके बाद प्रार्थना करें। आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई दिक्कत है, आपकी मैरिटल लाइफ में अगर कोई समस्या है, तो वो समस्या समाप्त होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।